हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहन। सी पैशन लव में आप लोगों ने मुझे देखा ही होगा। आई एम बैक अगेन। एंड आज का मुझे मेरा वीडियो बनाने का एक टारगेट था कि मेरे पास सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स और फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें आती थी, तो वो मुझसे पूछते थे कि मेरी ग्रूमिंग का क्या राज है, मतलब आपका फेस इतना ज़्यादा ग्लो करता है और आप मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करता हूं। तो उस चीज़ों के लिए मैंने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है और मैं उन वीडियोस में आपको प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा कि मॉर्निंग डेली यूजिंग के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जो कि हम नहीं कर पाते मोस्टली, क्योंकि हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, बट हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारी ग्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और दिल्ली और बॉम्बे में तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं बताना चाहूँगा। हम जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम ठंडे पानी से अपना फेस को साफ करते हैं, बट एक्चुअल में मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ये टोनर आता है, बायोटेक का टोनर है, ये आयुर्वेदिक टोनर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो मॉर्निंग में। जब भी उठोगे आप, उठते सबसे पहले आप इसका यूज़ करो। आप इसको हल्का सा फेस पे ऐसे करो, कॉटन से कर सकते हो या हैंड से भी कर सकते हो। हाथ से अगर आप करोगे तो पूरे फेस पे ऐसे हल्का हल्का ऐसे डैपिंग के अकॉर्डिंग करोगे, डैपिंग करोगे। उसके बाद में ये होने के बाद में हम यूज करते हैं, ये हमारा था स्क्रब, फ्रूट वाला, पपीते का, पपाया। तो इसका एक्चुअल में हम इसके बाद में यूज करते हैं स्क्रब। जब भी हम स्क्रब लगाते हैं तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए फेस के लिए, या तो हम पानी के साथ में यूज करेंगे या फिर हम टोनर के साथ में भी लगा सकते हैं। टोनर के साथ में लगाने के बाद, और इसकी जो खुशबू है ना, एक्चुअल में इसमें से खुशबू आती है, ये देखो, nice smell. एक पपीते के जो रियल होता है ना, रियल वाला फ्रूट, पैसे वाले, आपको खुशबू आएगी। हम इसको पहले फेस पे लगाएंगे, उसके बाद में हल्का सा हम टोनर लेंगे दोबारा से, और हल्का सा पूरे फेस पे ऐसे ऐसे करके स्क्रब करेंगे। हम फिर फेस को क्लीन कर देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है, ये चारकोल है, ये ब्लैक हेड्स को हटाता है। एक्चुअल में मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि भैया कि देखो फोरहेड पे थोड़ा सा अभी भी टाइनिंग दिख रही है, ब्लैक हेड्स और टाइनिंग। एक्चुअली ये मेरा फ्रेंड ने मुझे भेजा है कोरिया से, तो मैंने कभी यूज़ नहीं करा वैसे, बट उन्होंने मुझे बोला था काफ़ी अच्छा है, तो आज इसको टेस्ट करते हैं कि सच में अच्छा है कैसा। हम इसको लगाएंगे, ये हमारा हो गया। हम इसको यूज करेंगे 10 टू 20 मिनट्स मैक्सिमम। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। एंड अब मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अब मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मॉइस्चराइजर में आप लोगों ने स्टार्टिंग से एक देखा होगा, इसकी मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है, पोरोलिन, बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी, नाइस स्मेल। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पता नहीं कि बार बार सूंघने का मन करता है। बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाएंगे। ये हम प्राइमर का भी यूज कर सकते हैं, वैसे जो मेकअप यूज करते हैं तो हम इसका एज ए प्राइमर यूज भी कर सकते हैं। उनके लिए एक अच्छी चीज है कि वो इसको एज ए प्राइमर यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है बहुत ही अच्छी होती है, और सर्दियों में तो हमें मोस्टली यूज कर लेनी चाहिए। एक्चुअल में अब हम बताना चाहेंगे कि अब जैसे कि हम किसी भी, ये तो हमारा हो गया नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, चाहे उसमें हर मेकअप आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, और अपनी स्किन की केयर करना ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। अब हम दिखाएंगे, जैसे कि आप लोगों को शादी में जाना है, मैं जैसे कि किसी शादी में जाना है, लड़के पार्टी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो मोस्टली किसी शूट पे जा रहे हैं, ठीक है, उनको फोटो शूट कराना है, या फिर किसी ऑफिस की बड़ी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहला आता है कि नेचुरल टच के साथ में आप लोगों को थोड़ा सा मेकअप की भी ज़रूरत पड़ती है, वो आप चीज़ों को शार्प दिखाने के लिए, आपके फीचर्स को एकदम टिप टॉप दिखाने के लिए, देसी भाषा बोले तो टिप टॉप।
अब हम चीज़ें देखो, बहुत ही सिंपल और इनके भैया के अकॉर्डिंग ही पूरा स्किन है, इनके स्किन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। एक्चुअली मैंने बोला था कि बोरो प्लस एक ऐसी मॉइस्चराइजर या कोल्ड क्रीम समथिंग है जो कि हम लड़के या लड़के कोई भी एक्सपर्ट इसको ऐसे प्राइमर यूज कर सकते हैं। हम प्राइमर यूज करेंगे, बहुत ही लाइट। वैसे तो हमने इतना सारा प्रोडक्ट लगाने के बाद में इसका फेस पूरा का पूरा ऐसा हो गया है। एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, मैं भी यूज करता हूँ और बहुत सारे ये फिटमी का 220 है जो कि इसके बेस पे जा सकता है। बट अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी स्किन पे लाइट है, पहले हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम हल्का सा बेस इनके यहाँ पे चेक करके देखेंगे। और जब भी हम बेस लगाएंगे, डैप डैप करके लगाएंगे, चाहे हम लेडीज का मेकअप कर रहे हैं या फिर हम जेंट्स का मेकअप कर रहे हैं, तो डैबिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी इनकी टोन से देखो, पूरा टोन का टोन है। क्योंकि जितनी अच्छी स्किन होती है उतनी उनकी प्रॉब्लम्स कम होती फेस पे। ये एक्स्ट्रा ग्लो के लिए होता है, पार्टीज में जब भी हम नाइट पार्टीज जाते हैं किसी भी, या फिर डे पार्टी हो गया, डे पार्टी में तो मोस्टली बहुत ही वो होता है, बट ये शार्प दिखाने के लिए होता है। एक आपके अंदर एक अलग सी शाइनिंग रहती है, ये बहुत लाइट है। बस हम डायरेक्टली फेस को ऐसे करेंगे, उसके बाद में मेंस के लिए बहुत ही सिंपल और सजीक चीजें होती हैं, जो कि जब भी हम किसी शादी या फंक्शंस में पार्टी अटेंड करने जाते हैं तो हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रो के लिए हम लेंगे वेट एंड वाइट का बहुत ही अच्छी पैलेट आती है और इसका हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत प्यारी लगती है यूज़ करने में, मैं खुद के लिए भी ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ मैन का टचअप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं देंगे हम, ना आईब्रोज के लिए ज्यादा डार्कनेस, सिर्फ बहुत ही लाइट चीजें। उसके बाद में हम वेट एंड वाइट का ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि बहुत ही अच्छा है, सेम इसका 220 वाला है, बहुत लाइट। नेक्स्ट, एक्चुअल में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लड़कियों को ही हाईलाइट किया जाता है, बट लड़कियों को हाईलाइट करते हैं बट लड़कों को भी हाईलाइट होता है। ये हम हाईलाइटर यूज करेंगे, वेट एंड वाइट का हाईलाइटर है, हम अपने हैंड से भी यूज कर सकते हैं। लड़कों के लिए जो चीज नोज बहुत ही लाइट, जो पार्टीज के लिए या फिर शूट्स के लिए जाते हैं तो हम ये चीजें ध्यान में रखते हैं, सिर्फ नोज और बहुत लाइट ये वाला हिस्सा, जो आईज के हमेशा थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, ये हम अपने हाथ से हाईलाइट करेंगे, बहुत ही लाइट। इसके बाद में हम बफलिंग ब्रश से इसको हल्का हल्का बहुत कम क्वांटिटी में कर देंगे। सबसे लास्ट मस्कारा, मस्कारा कैसे लगाते हैं लड़कों ये दिखाना चाहता हूँ।
टेबल बंद करो, खोलो, लास्ट है सर लिप बाम। बहुत ही नेचुरल और ऐसे करो, ऐसे से हाथ से लगा लो। अब एक्चुअल में इनकी बियर्ड है तो हम अब इसके बाद में यूज़ करेंगे बियर्ड ऑयल। बियर्ड ऑयल बहुत ही ऐसे जिससे इसकी बियर्ड की शाइनिंग आ जाए। सी अब आप देखो इसकी बियर्ड में भी हल्की हल्की शाइनिंग है। एक्चुअली हमारा ग्रूमिंग और मेकअप खत्म हो चुका है तो अब मैं बताना चाहूंगा कि हम डेली रूटीन के लिए मोस्टली हम मेकअप यूज नहीं करते हैं और डेली रूटीन के लिए कोई भी यूज़ नहीं करता है, बट सिर्फ ये जब शूट पे कोई जाता है या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कोई काम होता है या पार्टी में जाना होता है तभी हम मेकअप को यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सी पैशन लव में मुझे मैंने एक्टिंग करी एंड उसमें जो आप लोगों ने मेरे कैरेक्टर को जो चूज़ करा और जो प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत जल्द मिलेंगे हम नए एपिसोड के साथ में और बहुत अच्छी स्टोरी के साथ में। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट जरूर पास करो। थैंक यू सो मच।